नमस्कार, मैं हूँ रक्षा उबर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। तो आइए एक नजर डालते हैं उन तमाम अहम खबरों पर जो दिन भर की रही सुर्खियों में। देखते हैं ताजा खबर। खबर है आगरा से। आचार संहिता लागू होने से पहले सूबे की नौकरशाही सख्त हो गई है। इस दौरान डीएम ने अधिकारियों को नहीं बल्कि जमीनी हकीकत का खुद फील्ड में निकलकर हर व्यवस्था का बारीकियों के साथ निरीक्षण किया। आपको बता दें, लगातार अफसर बनने अपने अपने जिले में फील्ड गुड करने के लिए डटे हुए हैं। इसी कड़ी में जिलाधिकारी आगरा प्रभु नारायण सिंह तूफानी दौरे पर निकल पड़े। डीएम पीएन सिंह ने वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग समेत तमाम जगह दौरे किए। जानकारी के अनुसार जिले में फरियादी और तिमानदारों की शिकायतें जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंच रही थी, जिसका डीएम ने संज्ञान लिया और डीएम ने अधिकारियों को नहीं बल्कि जमीनी हकीकत जानने के लिए खुद फील्ड में निकलकर हर व्यवस्था का बारीकियों के साथ निरीक्षण किया। डीएम पीएन सिंह ने सबसे पहले वन विभाग की कागारौल स्थित नर्सिंग में पौधारोपण हेतु उपलब्ध पौधों की प्रजातियों का भौतिक सत्यापन किया। आगामी ऋतु में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष नए पौधों को तैयार कराकर वृक्षारोपण कराने का निर्देश भी दिया। उसके बाद सीएमओ और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जगनेर तथा स्थलीय निरीक्षण कर समस्त आवश्यक व्यवस्थाओं का सत्यापन भी किया। मरीजों को समुचित उपचार, सेवाएं हेतु आवश्यक संसाधन और औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए। डीएम ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्राम मेवली ब्लॉक जगनेर में आयोजित विशेष मेडिकल कैंप का निरीक्षण कर कोरोना टीकाकरण कार्य का सत्यापन किया। प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण कर अध्यापक विद्यार्थियों की उपस्थिति और मिड डे मील विवरण का भी सत्यापन किया गया। आगरा से दिव्यांशी राय की रिपोर्ट।